को मालूम नहीं था कि मैं आज मिस्टर ओलंपिया खेलने वाला हूँ। मैंने किसी को बोला ही नहीं था, सिर्फ मेरे वाइफ और मेरे दो तीन दोस्त लोग, उनको ही मालूम था कि ओलंपिया खेलने वाला हूँ। ऐसा क्यों? 2010 से पहले मैंने मिस्टर एशिया के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन के लिए, तब से मैं प्रो कार्ड का सपना देख रहा था। आप लोग मेरे जो फैन फॉलोइंग है, अपनी इंडिया और एशिया कंट्रीज के मेरे फैंस हैं, वो बोलते थे गॉड ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग, बादशाह, दादा, बॉडी बिल्डिंग का बाप। लेकिन इस बॉडी बिल्डिंग को, बादशाह को प्रो कार्ड क्यों नहीं मिल रहा था? परेशान था मैं बहुत साल से। आप मेरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो अगर देखोगे तो उसको आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था। हर कंपटीशन में चीटिंग, सेकंड फर्स्ट होते हुए भी सेकंड, चैंपियन ऑफ चैंपियन होते हुए भी सेकंड, परेशान हो गया था। इस बार लास्ट ईयर में सैन मरिनो गया, चैंपियन ऑफ चैंपियन डिजर्व करने वाला बंदा सीधा कंपटीशन से बाहर। लास्ट ईयर अभी तक मैंने मुंह खोला नहीं था, मैं चुप बैठा था। मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, देश का गद्दार, दूसरे देश से खेला, लेकिन क्यों खेला? लास्ट ईयर चैंपियन ऑफ चैंपियन में खेलने वाला था अमेचर ओलंपिया, शेरुपा जी ने मुझे इनविटेशन दिया हुआ था। मैं खेलने जब आया तब फेडरेशन के कुछ, जिनके औकात नहीं है बॉडी बिल्डिंग का नाम मुंह में लेने का, वो लोग मुझे बोलने लगे तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये किया वो किया, लिख के दे दो सोशल मीडिया पे, ये डाल दो वो डाल दो। मैं बोला मैं नहीं देगा। एक बार मैंने गलती की है आप लोगों को बड़ा करके, अभी वो वापस दोहराऊंगा नहीं। तो उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। मैं पूरा 1.5 साल उस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, मैं चुप बैठने वाला में से नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं थाईलैंड से, उन्होंने मुझे बोला सुहास तू थाईलैंड की तरफ से हम एंट्री दे देते हैं, रिप्रेजेंट टू इंडिया, मतलब मैं इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा, सिर्फ हमारे यहाँ से तेरी एंट्री जाएगी। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरा तिरंगा तो लहराएगा ना। मैंने पूछा तो वो टाइम पे मैंने एंट्री वहां से ली। मैंने हांगकांग में किसी को बोला नहीं, सीधा कंपटीशन में जाके स्टेज पे खड़ा रहा, स्टेज पे खड़ा रहा, वन साइड आप फर्स्ट और चैंपियन ऑफ चैंपियन भी अपना, वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन जब कुछ लोगों को वो मालूम पड़ा तो उन लोगों ने वो कंपटीशन में प्रॉब्लम किया, फर्स्ट होते हुए भी ग्रुप में सेकंड दिया। Guys, big round of applause for Suhas Nayankar, wonderful performer. जिंदगी में एक चीज मैंने सीखी है कि कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, राइट? So, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे MS धोनी, बहुत प्राइम एग्जांपल है। इनका जुबान नहीं बोलती, इनका बल्ला बोलता था, राइट? जिंदगी में मैंने एक ही चीज सीखी है, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है कुछ मत बोलिए, अपने काम से, अपने कर्म से, अगर अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करेंगे, भगवान आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। लेकिन और हम भोलेनाथ के भक्त हैं, जो अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान उसको भी सुखी रखे, भगवान हमारे को भी सुखी रखे। आपकी वाइफ यहाँ है, आपके बच्चे यहाँ है, मेरे को बहुत खुशी है। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी एंड क्रिएटिंग पॉजिटिवनेस। किसी के बारे कुछ बोल के ना ही हमारे को मिलेगा, ना ही हमारा कर्म अच्छा होगा। लेकिन नहीं, आप चैंपियन हो, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। मेरे ऊपर देश की गद्दारी का दाग लगा हुआ है, कोई बहुत डेंजर है। इसके लिए मैं बहुत क्लियर करता हूँ, एक सेकंड में। मैंने जब खेला, मैंने देश का तिरंगा लेके वहां पे खेला हूँ मैं। आप फोटोज देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लेकिन कुछ लोगों ने वो आप यूट्यूब पे डाल के देखो, हांगकांग मिस्टर ओलंपिया में जो वो वीडियो डिलीट कर दी है। लेकिन मैं देश की तरफ से ही खेला हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ये आज बोलना है, बोलना जरूरी था। लेकिन कोई बात नहीं, जो सच्चा आदमी होता है, सच्चा कर्म करता है,
वैसे भी शेरू भाजी ने बोला, वैसे मेरे साथ मैं आज लास्ट की कंपटीशन करने वाला था। अगर यहाँ पे कुछ होने वाला था तो इसके आगे मैं बॉडी बिल्डिंग तो हमेशा के लिए राम राम करने वाला था, लेकिन आज से मेरी नई जर्नी चालू हुई है बॉडी बिल्डिंग की। और आपको और एक वर्ड देता हूँ, जो अपने देश में और अपने एशिया में किसी ने किया नहीं है वो मैं करके देता हूँ। अभी ये जो जोश मुझे आया है, ये शेरूपा जी, गांधी बाजी और पूरी उनकी टीम की वजह से आया हुआ है, और ऑब्वियसली आप सबका प्यार, तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और शेरू भाई यहाँ से आगे आपको कभी भी मुंबई हमारी है, हमारे लोगों की है, हमारे बॉडी बिल्डर की है, पूरे महाराष्ट्र की बॉडी बिल्डिंग हमारे मुंबई से चालू होती है और पूरे इंडिया में बिखरती है। तो यहाँ पे आपको जिस भी कुछ भी हेल्प लगेगा, आज मेरे सपोर्टर्स कम से कम हजार एक लोग यहाँ पे रहेंगे, पूरे की पूरी टीम यहाँ पे है, कुछ भी लगेगा खाली एक मैसेज कर दीजिए, यहाँ पे पूरे बंदे हमारे रहेंगे। आप यहाँ पे सब भाई लोग हैं, सब बहने हैं, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी। यस यस, सही सोचते हैं, हमारी दिशा ठीक है, भगवान हमारे साथ। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। और शेरूपा जी, आपको आने वाले फ्यूचर में इससे भी और बेटर करिए। अभी सुहास खामकर एक नहीं है, ऐसे बहुत सुहास खामकर आगे बनने वाले हैं, लेकिन आज है 2010 में अगर सुहास खामकर को प्रो कार्ड मिला रहता तो आज सोचिए सुहास खामकर आज कहाँ पे होता। लेकिन देर से मिला वांदा नहीं, इसका भी अपन करेंगे। जोश पूरा का पूरा भरा हुआ है, 80 साल के उम्र में भी मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, ये लिख के देता हूँ। इस जोश की जरूरत थी, वो जोश पूरा का पूरा शेरूपा जी, गांधी बाजी ने भर दिया है। सपोर्ट चाहिए तो वो मिल गया है। बाकी अभी हमारी जो फेडरेशन है IFBB प्रो, दिस इज वन ऑफ टॉप फेडरेशन। जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग में होश संभाला है तब से ये फेडरेशन के साथ में खेल रहा हूँ, और आज भी उसी स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। मैं एक कहना चाहूँगा, मुझे रोज हजारों मैसेजेस आते हैं, हजारों व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे मैसेज, लाखों मैसेजेस, अरे सुहास सर आपने वो कंपटीशन क्यों नहीं खेला, अरे सुहास सर आपने वो कंपटीशन क्यों नहीं खेला। मेरे दिमाग में वो दूसरी फेडरेशन बैठती नहीं है। आप जो लोग बोल रहे हैं, रॉनी कोलमन ले लीजिए, जय कटलर ले लीजिए, फिल हिट ले लीजिए, अभी का रिसेंट मिस्टर ओलंपिया ले लीजिए, ये सब हमारे फेडरेशन से, ये हमारे भाई है, इनके साथ हमें कॉम्पिटिशन खेलना है, उस स्टेज पर हमें जाना है, तो मुझे यही फेडरेशन में रहना है। और इसके लिए मैं इस फेडरेशन में खेलता हूँ, दूसरे फेडरेशन में नहीं खेलता। इसके लिए आपको दूसरे फेडरेशन की कॉम्पिटिशन में मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो शेरूपा जी, अभी इतना बड़ा आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, मुझे लगता है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके उसका पार्ट पार्ट करके ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कॉम्पिटिशन कौन सा है, क्वालिटी क्या है, और उसमें आगे जाके फ्यूचर क्या होने वाला है, ये लोगों को मालूम नहीं। इसी करके मेरे जो भाई हैं हेमंत एंग्रिश, हमने मीटिंग किया है गांधी बाजी के साथ भी, अगले साल से आप रीजनल जो IFBB प्रो लीग के रीजनल शोज हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आज आपके लिए बहुत बहुत ही बड़ा दिन है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहला प्रो कार्ड है इंडियन बॉडी बिल्डर के लिए, बहुत सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट शेरूपा जी, गांधी बाजी और इस एग्जीबिशन को है, और आप सभी को थैंक यू वेरी मच। गाइस एंड गर्ल्स, वन एंड ओनली सुहास खामकर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर, वंडरफुल। वी मूव ऑन वेरी क्विकली, वी डू हैव अ बैक प्रोग्राम ऑन।